और आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि ममता दीदी ने कहा था कि दोबारा जीतने से घर घर में राशन पहुंचा दूंगी, तो क्या वो सच में घर घर पहुंचा रही है या फिर हमें राशन दुकान में जाना पड़ रहा है? कुछ कहेंगे इसके विषय में? बिल्कुल कहेंगे। ममता दीदी ने सबसे जीता है, सबसे घर घर राशन मिल रहा है, बहुत ही साफ सुथरा है, एकदम चकचकाचक। वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। और आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं झोला लेके राशन लाने। हम बंगाल में रहते हैं और हमारे बंगाल में जो है ममता दीदी का सरकार चलती है, और ममता दीदी ने एक बात कही थी कि इलेक्शन से पहले कि जब मैं जीतूंगी, बंगला से कुछ बोली थी। এখন থেকে আমরা ঠিক করেছি আমাদের সরকার আবার জিতলে মে মাস থেকে আপনাদের রেশন দোকানে যেতে হবে না, আপনার বাড়িতে বাড়িতে রেশন পৌঁছে যাবে, বিনা পয়সায় আপনার বাড়িতে বাড়িতে রেশন পৌঁছে যাবে। রেশন পৌঁছা দেব। उसने जो वादा किया था, अपना जो मैनिफेस्टो में कही थी बात, वो तो सच निकली और पूरा करने की कोशिश करती है। वो अपने वादे से मुकरती नहीं और जो वो बोलती है वो करती है, इसीलिए तो उसे बंगाल का शेरनी कहते हैं। तो हम जा रहे हैं, हमारे गांव में रेशन वाला चला आया है, चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है और कितना मिलता है, वो भी फ्री, पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ ये महीना में एक बार मिलता है विदाउट मनी, हमें इसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना पैसा का रेशन। पिछले लॉकडाउन से लेकर ही ये कंटिन्यू हमें बिना पैसे का हमें रेशन मिल रहा है। और आज 2 तारीख है, जून का महीना है, तो ये मिल रहा है और जब तक रहेगी मिलता रहेगा, ऐसा दुआ हम करते हैं, मेरे लिए ना सही सबके लिए, उन लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं, पहुंच गया हमारा गांव में रेशन, महीने में एक बार। तो सब लाइन में खड़े हो रहे हैं। तो सर आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि ममता दीदी ने कहा था कि दोबारा जीतने से घर घर में राशन पहुंचा दूंगी, तो क्या वो सच में घर घर पहुंचा रही है या फिर हमें राशन दुकान में जाना पड़ रहा है? कुछ कहेंगे इसके विषय में? बिल्कुल कहेंगे। ममता दीदी ने जब से जीता है तब से घर घर राशन मिल रहा है, बस यही कहना चाहते हैं, बस यही बरकरार रहे, हमें हर सुविधा उपलब्ध कराए दीदी, बस इतना ही। और हमारे इधर राशन का चावल है, ऐसा होता है, इसको उसना चावल बोलते हैं, बिल्कुल ही साफ है, इसमें बहुत ही साफ सुथरा है, एकदम चकचकाचक। ये हमारा ग्राम भाटागच में आज आए हुए हैं हमारे सर लोग राशन वितरण करने। ये इधर देखिए, हमारे बंगाल का राशन बिल्कुल ही साफ सुथरा चकचकाचक है, इसमें कोई शिकायत नहीं। उधर अरवा चावल, इधर वेट मशीन है, इधर आटा है, इसमें 1 केजी का आटा है, और भी बहुत कुछ है, हर गाड़ी भर भर के है।
করে রেশন প্রকল্প দার্জিলিং। हमारा रेशन लेना खत्म हो चुका है, हमारा बारी, तो अब हम चलते हैं अपने घर में। और इधर है सारे रेशन की दुकान, फिर मिलते हैं, नमस्कार।